हेलो बच्चों, मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने आया हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर। जैसा कि सब जानते हैं कि पूरा देश जो है एक भयंकर संकट से गुजर रहा है, और ये संकट क्या है? कोरोना नामक वायरस जो कि फैला हुआ है, हमारे देश में भी फैला हुआ है, पूरे विश्व में भी फैला हुआ है। इस संकट से उबरने का जो तरीका सुझाया गया गवर्नमेंट द्वारा, वो तरीकों में एक तरीका ये था कि पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर के अंदर ही रहें, बहुत ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करके घर के अंदर फिर आए। फिर आप हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें, चेहरे को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करें, जिससे आप इस महामारी से बच सकें। एहतियात बहुत ज़रूरी है और इन एहतियातों से ही हमारा बचाव है। हम अपना बचाव करेंगे, अपने घर का, घर के लोगों का बचाव करेंगे, देश के हित में हम काम करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, देश का सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपने खुद का भी क्या कहते हैं नुकसान करेंगे, उसके साथ साथ दूसरों का और देश का भी नुकसान करेंगे। इन सब नुकसान से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा बताई गई बातों पर अमल करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। अब हम जो आए हैं यहाँ पे आपके लिए, वो आपकी क्लासेस लेके आए हैं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं, और कई दिनों का स्कूल में जो कोर्स है वो इनकम्प्लीट सा या रुका सा रह गया है। अभी रुकावट कितने दिन तक है ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, और कैसे घर में रहते हुए हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इससे हम एक जरिया हमको मिला है, वो है क्या कहते हैं ऑनलाइन तरीके से हम लोग पढ़ लें, यूट्यूब पे क्लासेस देख लें या और आपके व्हाट्सएप पे या आपके ग्रुप मैसेज में हम उसको सेंड कर दें, जिससे आप क्लास लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, आप लोग सब जानते हो, ठीक है। मैं नया हूँ इस ऑनलाइन क्लास में, आज ये मेरा पहला अटेम्प्ट है इस तरीके की क्लास के लिए, और मैं आपके सामने पेश हूँ। और मैं, जैसा कि आप जानते हो, ये वन हाफ फैक्टर एक टॉपिक है, सॉल्यूशन बिलियन जो आपका अध्याय है सॉल्यूशन, उसे एक वन हाफ फैक्टर वन हाफ गुणांक आई का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में वन मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हर साल, और हर पेपर में मिल जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग इसको कैसे सीखते हैं। वन हाफ फैक्टर आई जो है उसे वन हाफ ने दिया, उसको क्या कहते हैं आई से प्रदर्शित किया जाता है। हुआ क्या कि आप जानते हो कि अड़ोसन गुणधर्म, अड़ोसन गुणधर्म क्या होता है, किसी बिलियन में बिले के कणों द्वारा, किसी बिलियन में बिले के कणों के द्वारा जो भी क्या कहते हैं परिवर्तन किए, परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उनके बिलियन में, वो क्या होता है अड़ोसन गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। ऐसा इसको डिफाइन किया गया, किसी बिलियन में उत्पन्न हुए समस्त भौतिक गुणधर्म, किसी बिलियन में उत्पन्न हुए समस्त भौतिक गुणधर्म जो बिलिय के कणों के कारण उत्पन्न होते हैं, बिलियन के अड़ोसन गुणधर्म कहलाते हैं। और कुल मिला के चार अड़ोसन गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं, जैसा कि क्या कहते हैं आपका परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब अवनमन हो गया, पथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, ये सब कुछ क्या कहते हैं आपके अड़ोसन गुणधर्म। अड़ोसन गुणधर्मों में दो तरीके के अड़ोसन गुणधर्म होते हैं, एक होते हैं प्रायोगिक अड़ोसन गुणधर्म, एक होता है सैद्धांतिक अड़ोसन गुणधर्म। तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक अड़ोसन गुणधर्म में अंतर का आ जाना ही, ये अंतर आ जाते हैं। इस अंतर को कम करने के लिए, इस अंतर को बताने के लिए वन हाफ ने एक वन हाफ गुणांक नामक
फैक्टर जैसा क्या कहते हैं सुझाव दिया, जो कहता है कि क्या कहते हैं किसी विलयन में उपस्थित किसी वैद्युत अवघट के वियोजन अथवा संगुणन, वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या तथा वियोजन अथवा संगुणन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को ही वान हाफ गुणांक कहा गया और इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित वैद्युत अवघट के वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या तथा वियोजन के पूर्व अणुओं वैद्युत अवघट के कुल अणुओं की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, वान हाफ गुणांक कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम देखें बोर्ड में गौर से देखें तो आई आई वान हाफ गुणांक आई बराबर वान हाफ गुणांक आई बराबर वियोजन वियोजन अथवा संगुणन के बाद लिखिए या पश्चात कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या अपान वियोजन अथवा संगुणन के पूर्व कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं मोलों कुछ भी बोल सकते हैं अणुओं की संख्या, वैद्युत अवघट की वियोजन किसका बनता तो किसी वैद्युत अवघट को, वो दुर्बल भी हो सकता है प्रबल भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जगह ज्यादा लेते इसलिए नहीं लिखा गया। इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि I इज इक्वल टू हो सकता है असामान 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 अणुसंघ गुणधर्म अणुसंघ गुणधर्म गुणधर्म बटा सामान्य अणुसंघ गुणधर्म सामान्य अणुसंघ गुणधर्म ठीक है, ये आई ठीक है। अब आई को क्या, आई का मान क्या इंपॉर्टेंस है, आई की आई के मान का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको निकाला कैसे जाता है, इसको सीखते हैं। देखिए आई का मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आता है, अलग अलग वैद्युत अवघट के लिए अलग अलग आता है। जैसे दो चीज हम दो शब्द सीख बोल रहे हैं बार बार, एक होता है संगुणन एक होता है वियोजन, ऐसा भी होगा कि वैद्युत अवघट उसका संगुणन भी ना हो ना ही वियोजन हो। अगर अगर आई का मान अगर आई का मान वो ग्रेटर देन वन है ठीक है, तो जो वैद्युत अवघट का होगा वो वियोजन होगा वियोजन ठीक है। अगर वैद्युत अवघट का क्या होता है, संगुणन हो रहा है, तो आई ऑलवेज लेस देन वन अगर संगुणन हो रहा है संगुणन हो रहा है तो आई क्या होगा, हमेशा एक से एक कम होगा। और आई इज इक्वल टू वन एक के बराबर होगा जब ना तो संगुणन हो ना ही वियोजन हो। इन स्थितियों में क्या कहते हैं, जब संगुणन ना हो और ना ही वियोजन हो तो आई का मान हमेशा एक रहेगा। अगर आई का मान कभी एक से अधिक आता है तो समझ लीजिए कि उस वैद्युत अवघट का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। और आई का मान के एक से कम आ रहा है तो समझ लीजिए उस वैद्युत अवघट का संगुणन हो रहा है। और आई बराबर एक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ना तो संगुणन है ना ही क्या है वियोजन है। वियोजन की इंग्लिश होती है डिसोसिएशन, संगुणन का क्या होता है एसोसिएशन होता है, जुड़ना एसोसिएशन है और बिखर जाना टूट जाना वो क्या है डिसोसिएशन है। अब आते हैं किस वैद्युत अवघट के लिए आई का मान कितना होगा उसको निकालते हैं और वो सीखते हैं कैसे निकाला जाता है, कैसे पता लगेगा किस वैद्युत अवघट के लिए आई का मान इतना होगा ठीक है।
तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं NaCl के लिए, बेस्ट कंडक्ट NaCl के लिए, NaCl के लिए आई का मान, NaCl के लिए आई का मान, देख NaCl का वियोजन कुछ इस तरीके से होता है, NaCl का वियोजन वियोजन इस प्रकार होता है, आप लोग जानते हो, हम यहां दिखा लेते हैं, जैसे हमने लिखा है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका वियोजन होगा, यहां रिवर्सिबल का चिन्ह दिखा रहे हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस आयन बनेगा और Cl माइनस आयन बनेगा। अब वियोजन से पूर्व देखते हैं, प्रारंभ में, इसको शब्द बोल सकते हैं प्रारंभ में, जब ना तो वियोजन हो रहा है ना तो संगुणन हो रहा है, मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में, प्रारंभ में हमने NaCl का एक मोल लिया, ठीक है, जब रिएक्शन आपके शुरू नहीं हुई है तो Na प्लस बना नहीं होगा, इसलिए इसके जीरो मोल होंगे और इसके जीरो मोल होंगे, ठीक है, रिएक्शन जब NaCl डिसोसिएट हुआ होगा, मींस इसका वियोजन हुआ होगा, मतलब साम्यावस्था पर देखते हैं, साम्यावस्था पर माना NaCl से अल्फा अणुओं का वियोजन हो रहा है, साम्यावस्था पर माना NaCl से अल्फा अणुओं का वियोजन हो रहा है, तो Na प्लस जो बनेगा वो भी अल्फा बनेगा और Cl माइनस जो बनेगा वो भी अल्फा बनेगा। अब देखते हैं वियोजन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, वियोजन के बाद NaCl के कुल मोल, NaCl के कुल मोल, कुल मोल लिखिए, कुल अणु लिखिए, कुल मोल बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस प्लस अल्फा, ठीक है, अब अल्फा से अल्फा जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आपका क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा बचेगा। अब देखिए आई कैसे निकालते हैं, आई इस फार्मूले में अगर रखें, ऊपर वाले फार्मूले में आई बराबर, ऊपर वाले फार्मूले देखिए, वियोजन अथवा संगुणन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन अथवा ये वियोजन क्योंकि NaCl का संगुण एक ही चीज हो गया, तो वियोजन हो गया या तो संगुणन हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या कितनी है, 1 प्लस अल्फा, तो आई बराबर ऊपर रखा मैंने अंश में 1 प्लस अल्फा, और संग वियोजन से पूर्व कितने और मोल लिए थे हमने, 1 मोल लिया था, तो ये आपका 1 हो गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, यहाँ लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा NaCl के लिए, NaCl की आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। लेकिन एक केस आता है कि NaCl आपका कैसा प्रतिद अपघट है, प्रबल है कि दुर्बल है, यहाँ पे NaCl आपका एक प्रबल प्रतिद अपघट है, अगर वियोजन जो है वो 100% हो, मींस क्या कहते हैं कि 100% हो, तब देखिए क्या होगा, यदि यदि वियोजन NaCl का वियोजन वियोजन 100% हो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, एक चीज यहां सीखते हैं, तब अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या, अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मींस वियोजन की मात्रा क्या होती है, अल्फा बराबर होती है वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या, तो अल्फा 1 कब आएगा, मान लीजिए हमने 20 अणु लिए और अगर उनका 100% वियोजन हो रहा है, मतलब 20 के 20 अणुओं का वियोजन हो रहा है,
तो क्या होगा, वियोजित अणुओं की संख्या भी क्या होगी 20 होगी और कुल अणुओं की संख्या भी क्या है कि 20 है। तो जब वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या बटा 20 और 20, जब 20 और 20 होगा अल्फा बराबर 20 और 20, तो इसको जब हम कट करेंगे तो क्या आएगा 1। अगर किसी भी वैद्युत अवघट का पूर्ण वियोजन होता है तो उसकी वियोजन की मात्रा 1 आती है, मतलब उसका वियोजन की मात्रा क्या होता है 1 होता है। अब देखिए जब वियोजन की मात्रा 1, आप अल्फा, अब आई क्या हो जाएगा, अब आई बराबर 1+1, अल्फा क्या है 1 हो गया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2। तो NaCl का क्या कहते हैं, I का मान 1/2 गुणांक I का मान जो आएगा वो 2 के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, अल्फा को कट किया गया है, अल्फा अल्फा 1-α+α, तो ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट करने में टाइम लगेगा। अब जैसे कि मेरी पहली क्लास है, आपको मैंने NaCl का सिखाया, इसी तरीके से MgCl2 का निकालना, MgCl2 का जो वियोजन होगा वो कैसे होगा, Mg++ 2Cl- होगा। तो वहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पे अल्फा ही रहेगा MgCl, लेकिन वहाँ पे 2Cl- आएगा ना, तो वहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा। सारे केस ऐसे चलेंगे, यहाँ 1+2 अल्फा हो जाएगा, फिर पूर्ण वियोजन लगाएंगे 100%, तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन वहाँ उसके अल्फा का जो गुणांक है वो 2 है, तो 2×1 हो जाएगा, तो 1+2 = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी जिसकी संयोजकता 1 है उसके अल्फा का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जिसकी संयोजकता 2 है उसकी कितना आ रहा है आपका वो उसका 3 आ रहा है, जिसकी 3 होगी उसका कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, I का मान निकालेंगे, और I का मान जिनका ज्यादा होगा उनका क्या कहते हैं अणुसंघ गुणधर्म कब ज्यादा क्या कम होगा उसको भी आगे बताएंगे। I का मान ज्यादातर ज्यादा होने पर क्या होता है, अणुसंघ गुणधर्मों का मान क्या होता है बढ़ जाता है कुछ एक को छोड़कर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर भी क्लास आपको दी जाएगी, आप रेगुलर अपडेट रहिए, आपको क्लास कैसी लगी उसको बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।